हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईशान मोबाइल गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपको ख़राब LED बल्ब ठीक करके दिखाने वाले हैं। आज हमारे पास 7 वाट के ये दो LED बल्ब हैं, जिनमें से एक जलबुझ यानी ब्लिंक हो रहा है और दूसरा रोशनी नहीं दे रहा है। तो चलिए इन दोनों को ठीक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल ईशान मोबाइल गुरु को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। इस तरह से हम बल्ब के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक के कवर को खोलेंगे। और बल्ब को बिजली के होल्डर में लगाएंगे और चिमटी लेकर बारी बारी से सभी LED की दोनों साइड पर टच करेंगे, यानी शॉर्ट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने एक LED को शॉर्ट किया तो सारी LED जलने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट में एक LED खराब हो चुकी है। अब हम दूसरे LED बल्ब को चेक करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने पहले LED बल्ब को चेक किया था। अब हम बारी बारी से सभी LED को चिमटी से शॉर्ट करके चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप चिमटी पर टेप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी इत्तफाक से LED का जो मेन सर्किट है वो लीकेज हुआ तो आपको करंट भी लग सकता है। क्योंकि ये LED बल्ब बिजली की AC सप्लाई से DC में कन्वर्ट होकर काम करता है, और हम जो चिमटी से LED को चेक कर रहे हैं ये DC करंट है, इसलिए हमको करंट नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इस LED बल्ब में भी एक LED खराब है, क्योंकि जब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो LED की पूरी प्लेट सही से काम कर रही है। अब हम मार्कर से ख़राब LED पर निशान लगा देंगे, जिससे कि हमें ख़राब LED को पहचानने में आसानी हो। और आयरन से दोनों LED को प्लेट से अलग करके नई LED को इनकी जगह पर फिट करेंगे। देखिए, ये हमारे पास ख़राब LED बल्ब की एक प्लेट है। इसमें से हम LED को निकालेंगे और बड़ी साइड को बड़ी साइड पर और छोटी साइड को छोटी साइड पर फिट करेंगे, यानी हमको इन्हें सीधा फिट करना है, उल्टा फिट नहीं करना है।
और अगर दोस्तों आपके पास ख़राब एलईडी बल्ब का सर्किट नहीं है जिसमें से आप एलईडी निकालते, तो आप इस कंडीशन में अपने बल्ब की एलईडी को शॉर्ट भी कर सकते हो, यानी कि शोल्डर के जरिए से इनको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपनी दोनों एलईडी ठीक कर ली हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।